Welcome to CBSC Computer Education. Today we are discussing about the class 10th syllabus. So, मेरे पास कुछ फाइल हैं, जहाँ पे डेस्कटॉप में क्लास 10th दिख रहा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ. तो जहाँ पे ऊपर में सबसे ऊपर जो है क्लास 10th का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है. इसमें जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये क्लास 10th का सिलेबस आपको शो हो जाएगा. अगर आप ये सिलेबस चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं क्लास 10th का सिलेबस जो सेशन 2020-21 के लिए जो है CBSE द्वारा जो है इसको जारी किया गया है. तो डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन के अंतर्गत आता है आपका सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402. इस कोर्स का जो जॉब रोल है ये है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर. ये क्लास 10th के लिए डिज़ाइन किया गया है. कोर्स का टाइटल जो है अभी हमको आपको बताएं कि डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर है. कोर्स का आउटकम्स यहाँ पे दिया गया है कि आप अगर इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, एक साल आप जब कंप्लीट होता है तो आप इफेक्टिव ओरल एंड रिटर कम्युनिकेशन कर पाएंगे. आप कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में जान पाएंगे, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल डेवलप कर पाएंगे. ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर को आप इजीली यूज़ कर पाएंगे, ओपन कर पाएंगे, शट डाउन कर पाएंगे, कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाएंगे, ये सारा चीज़ दिया गया है. डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें क्वेरी कर सकते हैं, ये सारा चीज़ दिया गया है. कोर्स का ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि आप कंप्यूटर ये में जो यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट क्या कर पाएंगे, IT और IT से इनेबल्ड सर्विसेज के साथ क्या हो पाएंगे, इजीली फेमिलियर हो पाएंगे. साथ ही साथ वो जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक डेटा एंट्री के लिए क्या हो पाएंगे, ट्रेंड हो पाएंगे. साथ ही साथ वो जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन क्रिएट करना इजी हो पाएगा, डेवलप कर पाएंगे. ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है. साइलेंट फीचर यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो टाइपिंग स्पीड है, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगा. साथ ही साथ जो है आप कंप्यूटर के डिफरेंट एप्लीकेशन का यूज़ कर पाएंगे, ऑफिस के एप्लीकेशन का यूज़ कर पाएंगे, कई सारे आपके स्किल डेवलप हो जाएगा, ये सारी चीज़ दिया गया है. अब मेन चीज़ आते हैं हम क्लास 10th के सिलेबस जो सेशन 2020-21 के लिए है. तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो टोटल मार्क्स जो है आपका 100 मार्क्स है. यहीं पे आपको समझ आ जाएगा थ्योरी जो है 50 मार्क्स और प्रैक्टिकल 50 मार्क्स, यानी 50-50% वेटेज आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल का है. आगे अगर हम देखते हैं स्कीम ऑफ यूनिट, तो स्कीम ऑफ यूनिट जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लास 10th के लिए जो सेशन 2021 के लिए है वहाँ पे पार्ट A, B, C एंड D 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पार्ट ए एंड बी जो है आपका थ्योरी सेशन है. जहाँ पे आप पार्ट ए देखेंगे तो पार्ट ए जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, जिसके अंतर्गत आपका 5 यूनिट है, जिसमें आप देखेंगे तो क्लास 9th में आपके इसके सारे पार्ट जो आपके चैप्टर है उसके पार्ट 1 को आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. तो क्लास 10th में उसी के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट 2 पढ़ेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का पार्ट 2 पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल का पार्ट 2 पढ़ेंगे, इंटरप्रेन्योर स्किल का पार्ट 2 पढ़ेंगे, ग्रीन स्किल का पार्ट 2 पढ़ेंगे. तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो नंबर ऑफ आवर्स जो है 50 आवर्स में आपको यहाँ पे इसका वेटेज जो है 10 मार्क्स को कम्प्लीट करना है. वहीं पे पार्ट बी के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे आपका टोटल 4 यूनिट दिया गया है, जिसमें आपका थ्योरी जो है इतने समय में 60 आवर्स में और प्रैक्टिकल 90 आवर्स में कम्प्लीट करना है. इसका जो वेटेज जो है आपका 40 मार्क्स है. तो इस प्रकार से आपका थ्योरी जो है वो 50 मार्क्स, जिसमें पार्ट ए 10 मार्क्स और पार्ट बी जो है वो 40 मार्क्स, यानी पार्ट बी का वेटेज जो है थ्योरी में ज़्यादा है. फिर वहीं पे अगर हम पार्ट सी की बात करें प्रैक्टिकल वर्क के लिए, तो प्रैक्टिकल वर्क सी और डी की बात करें तो सी में अगर हम देखते हैं तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो आपका कंप्लीट होने के बाद एक एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो 15 मार्क्स का रहेगा, जिसपे रिटर्न टेस्ट आपका 10 मार्क्स का रहेगा, और वाइवा जो रहेगा जो आपके जो प्रोजेक्ट वर्क के बेसिस पे हो सकता है या प्रैक्टिकल वर्क के बेसिस पे हो सकता है, तो जो वो रहेगा 10 मार्क्स का. तो इस प्रकार से 35 मार्क्स है आपका प्रैक्टिकल वर्क. फिर उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क या फील्ड विजिट, जैसे आप कहीं पे अगर आपको कोई कहीं पे फील्ड में विजिट करने के लिए जाया जा सकता है, बैंक में या हो सकता है किसी फैक्ट्री में जहाँ पे IT या IT से रिलेटेड वर्क किया जाता है, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल फाइल या स्टूडेंट पोर्टफोलियो आपको बनाना पड़ेगा, उसका आपका 10 मार्क्स
और उसी के बेसिस पे जो आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाया उसी के बेसिस पे उसका वाइवा होगा जो आपका रहेगा 5 मार्क्स। इस प्रकार से 15 मार्क्स इसका, तो आप अगर टोटल वेटेज देखेंगे तो यहाँ पे 100 मार्क्स का हो जाता है। तो यानी अगर आप देखेंगे 50 मार्क्स इसका, 50 मार्क्स इसका, यानी आपका टोटल वेटेज हो जाएगा 100 मार्क्स। तो इस प्रकार से यहाँ पे और एक डिटेल दिया गया है कि आप ड्यूरेशन ऑफ क्लास में कितने आवर्स में इसको कंप्लीट करेंगे। तो 50 मार्क्स में पार्ट ए को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल को 150 आवर्स में यानी 100-200 आवर्स में आपको इसको दोनों पार्ट्स को थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ कंप्लीट करना है। आगे हम जो है अब जब सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से लेकर, तो ये सारे चीज़ों को लेकर हम जो है आपका जो दिया गया है जो टॉपिक दिया गया है उसी के बेसिस पे हम थ्योरी और प्रैक्टिकल को कंप्लीट करते हुए आगे जाएंगे। तो आगे के लिए इस चैनल पे बने रहे, हम आपके कंप्लीट सिलेबस को इस चैनल के थ्रू जो है हम इसको कंप्लीट कराएंगे और साथ ही साथ जो है इसके प्रैक्टिकल्स के साथ साथ सारे क्वेश्चन आंसर आपको घर बैठे आपको मिल जाएगा। तो आगे आप इसी चैनल पर बने रहे ताकि आप सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और ईजी वे में भी आप अपने घर में बैठे बैठे ये सारे चैप्टर को आप घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे के लिए बने रहें चैनल पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।